हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह आ गए हैं हम ज्वालामुखी दर्शन करने माता रानी का गाइस, क्योंकि आज नवमी है लास्ट। और हम आपको बता दें कि देख सकते हैं पहुंच तो गए हैं हम लोग। देखिए गाइस, आइए। अब तो मुंह ही नहीं दिख रहा आपका। तो गाइस मिले हुए थे फैन, और बता दे हम आपको कि सुबह से उठे हैं कितने बजे? 4 बजे से उठे हैं। 4 बजे से तैयार होते होते इधर उधर करते 6 बजे फाइनली पहुंच रहे हैं यहाँ। हाँ, अब देखिए आप। चलिए आप बने रहिए, हम दिखाते रहेंगे आपको, ठीक है? गाइस, अचानक से वो गायब हो गए, बाबू खो गए। अभी तो पीछे थे, पता नहीं कहाँ गए। सच में नहीं दिख रहे हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मम्मी कहते हैं, मम्मी हम मेला गए नहीं, मम्मी बाबू खो गए। थोड़ा फोन को ट्रैक करना पड़ेगा, लोकेशन को ट्रैक करना पड़ेगा। गाइस, खो गए थे। फोन नहीं कर सकते, मेरे को कभी तेरा चिंता नहीं रहता है आपको। हाँ? सिर्फ मुझे ही चिंता करना पड़ता है। हेलो गाइस, हाय। तो आप देख सकते हैं नाम क्या है? मन्नो क्रिस राजन राणा। मन्नो क्रिस राजन राणा, तो ये हमारे आगे हैं और ये चाची हैं। तो ये हमारी बहुत वीडियो पसंद करते हैं गाइस, और ये बहुत अच्छे हैं। आज फाइनली मिले, आज मिल गए, तो चलिए हम दिखा देते हैं, ठीक है? तो गाइस, हम लोग का हो गया है दर्शन, और हम लोग जा रहे हैं घर। घर में भी मेला घूमेंगे, थोड़ा बहुत खुला होगा। तो ये मेरी बहन पागल। गाइस, बहुत ज्यादा धूप हो गया। घंटा बज सबको देते ए शाहरुख खान, हेलो हेलो, आई एम बिग फैन। हेलो, अच्छा तुम भी तैयार करो। खुश हो गए, देखो इधर देखो, खुश हो गए। तो गाइस ये देखिए, डग्गा पे डग्गा, बहुत लोग दूर दूर से आए हैं। गाइस, आप लोग पास होके नहीं आ पाते, ये मेरे ब्लॉगिंग पे हंसते रहते हैं। गाइस, इनको नहीं, ये नहीं पता है कि जितना मैं बोल लेती हूँ उतना आप नहीं बोल पाते हैं। और खास हट जाए, पीछे गाड़ी में बोलने लायक नहीं रहेंगी। जब अपना ब्लॉग बनाते ना, तब पता
पता चलता है कितना बोलना पड़ता है पब्लिक में। गाइस हमको बहुत ज्यादा जलेबी खाने का मन था, तो कल मम्मी लोग आई थी लेने, बट बहुत भीड़ था तो नहीं ले पाई थी शाम को। अभी मैं आई हूँ, सबसे पहले जलेबी ही लूंगी, चाहे कुछ खाऊं या ना खाऊं। यार इनका पैर देखिए और मेरा पैर देखिए, इतना गंदा कैसे हो गया यार। आपको चलना नहीं आता है क्या? मुझे मतलब मैं मन से चल रही हूँ, आप ऊपर ऊपर रेंग रहे। गाइस अभी दुकान नहीं खुला है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं देखने, थोड़ा बहुत कैसा है। ठीक है, आज बाबू बोल रहे हैं कि शाम को घुमाएंगे। गाइस आप लोग भी देखिएगा शाम को घुमाने लेके आते हैं कि नहीं। 10 बजे तो आते हैं, तो मेरा 10 बजे। अब अगर आप लोग भी शक्तिनगर मेला घूमने आते हैं गाइस, तो झूला जरूर झूल के जाइएगा मेरा नाम बता के, ठीक है? कुछ भी। अरे बाबा, अरे 20 रुपया, अरे 20 रुपया पा लीजिएगा, 20 रुपया थप्पड़ मारिएगा, 20 रुपया। और देखिए भाई साहब, हैंडल लीजिएगा, कपड़ा टांगने वाला। गाइस हम लोग सुबह सुबह ही मेला घूम गए, 50 रुपया का है। अरे 50 रुपया का है, 50 रुपया का है। अच्छा बोलिए तो आप बोलिए सबसे पहले, कैसे बोल रहा था? 50 रुपया का है, आप बोलिए। नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये तो दृश्यम वाली गाड़ी है। सब चीज भूल जाएगा, इस जलेबी भरना भूले। मेला है, जलेबी ना खाए तो क्या मेला है। मैं गिरा होया बंदा जमानी च, तो हमारा खाना अब लग गया है गाइस। अब देख सकते हैं बाबू का मुंह बंद हो गया। मुंह चलाइए। और हम लोग कचौड़ी खाए थे एक एक गाइस, हमने सोचा कि पहले टेस्टी होगा उसके बाद खाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बाबू को सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरे को बोलते हैं कि घर में भी ऐसा सब्जी बनाया करिए, ऐसा करती हूँ ना घर में ही होटल खोल लेती हूँ, तब तो उनको पसंद आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग घर के लिए निकल गए हैं, तो आई होप आप लोग को ब्लॉगिंग हमारी पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।